नमस्कार, अभिवादन, सैल्यूटेशन। शाकाहारी जीवन हो मांसाहारी जीवन भन्दा सयौं गुना बढी लाभकर, अर्थात् विकल्प मांसाहारीको विकल्प हो शाकाहारी, मांसाहारीको विकल्प हो शाकाहारी, अर्थात् मांसाहारीबाट बच्नलाई उपाय हो शाकाहारी हुनु। दृष्टान्त हो, उदाहरण हो। यसबाट भन्न खोजिएको के हो भने, ब्रह्मज्ञानीको थिति हो मनुष्य जीवनको विकल्प। ब्रह्मज्ञानीको थिति हो मनुष्य जीवनको विकल्प, अल्टरनेटिभ विकल्प। मनुष्य जीवनको पनि विकल्प छ, अल्टरनेट। मनुष्य जीवन जो है उसका भी विकल्प है, वो है ब्रह्म ज्ञानी रूप से रहना, ब्रह्म ज्ञान में रहना, ब्रह्म रूप में रहना। जैसे मांसाहारी का विकल्प शाकाहारी है, मांसाहारी का विकल्प शाकाहारी है जो सयों गुना ज्यादा लाभकर है। जैसे मांसाहारी से उसका विकल्प जो शाकाहारी है वो सयों गुना ज्यादा लाभकर है। ये दृष्टांत है, ये दृष्टांत से दृष्टांत अर्थात ये कहना है कि ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी के रूप में रहना, ब्रह्म रूप का स्थिति में रहना, यह है मनुष्य जीवन का विकल्प, मरणशील मनुष्य जीवन का विकल्प। क्योंकि मनुष्य जीवन में तो तबाह तबाह है, बहुत तकलीफ है मनुष्य जीवन, मौत है उदाहरण, द डेथ इज एन एग्जाम्पल, द डेथ इज एग्जाम्पल दैट लाइफ ऑफ मैन इज अ डेथफुल, मरणशील है मनुष्य का जीवन। अर्थात मनुष्य जन्म होने के नाते मृत्यु अनिवार्य है, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता है। फ्रॉम द डेथ मैन कैन नॉट बी सेफ, इस कारण से अगर मनुष्य जीवन जो मरणशील है, जिसका गारंटी एक रोज भी नहीं है, लेकिन ब्रह्म का गारंटी हरदम का है। ब्रह्म का मतलब है स्वयं प्रकाश परमात्मा, सेल्फ एनलाइटमेंट, इमोर्टल सोल, दैट इज ब्रह्म। देर इज गारंटी, ऑलवेज रिमेन्स, फॉर एवर रिमेन्स, हरदम रहता है, हरदम अमर रूप में रहने के लिए एकमात्र विकल्प है ब्रह्म ज्ञानी के रूप में रहें। ये मरणशील मनुष्य जीवन का विकल्प है।
अल्टरनेटिव, ये अल्टरनेट है, विकल्प है। इसलिए दूरदर्शी संसार के विद्वानों को, संसार के बुद्धिजीवी को ये बहुत बड़ा अवसर हरदम मिल रहा है। सभी को, संसार का सभी को, अगर मरणशील जीवन से नफरत है, मृत्युमय जीवन से अगर नफरत है, अगर बचना है, मरणशील जीवन से अगर बचना है, सुरक्षित अगर रहना है, तो वैदिक ने अर्थात वेदांत ने, जो वेद का सार है, जो उपनिषद दर्शन है, संसार के सभी लोगों को अमर जीवन का विकल्प दिया है। वो है ब्रह्म का स्थिति, केवल ब्रह्म, क्योंकि ये स्वयं प्रकाश है, ये भी एक कभी नहीं मरता है, इसका नाश कभी नहीं होता है। इसलिए संसार के सभी लोगों को ये मौका है, सौभाग्य है, अमर रूप में रहने के लिए, परम आनंद रूप में रहने के लिए, सर्वश्रेष्ठ रूप में रहने के लिए, क्योंकि ब्रह्म का स्थिति है सुप्रीम पोजीशन इन द वर्ल्ड, सर्वोच्च स्थिति है ब्रह्म का जीवन, ब्रह्म का स्थिति, ब्रह्म रूप में रहना, ये होना सबका अधिकार है, संसार का सभी का अधिकार है, क्योंकि सभी का मौलिक स्वरूप है, सभी का मौलिक स्वरूप है, ओरिजिनल नेचर ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के मानव सबका ये मौका है, सौभाग्य है, अवसर है। जैसे दृष्टांत में शाकाहारी मांसाहारी से 100 गुना ज्यादा लाभकर है हर हालत में। शाकाहारी के रूप में रहना हर एक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और फिजिकल फिटनेस के दृष्टिकोण से, निरोगीता के दृष्टिकोण से, स्वच्छता, बुद्धि का स्वच्छता का दृष्टिकोण से, शाकाहारी 100 गुना ज्यादा लाभकर है मांसाहारी से। सो मीटी फूड एंड वेजिटेरियन, वेज फूड इज 100 टाइम्स मोर बेटर देन मीटी फूड, मांस पदार्थ से शाकाहारी खाना 100 गुना ज्यादा लाभकर है हर एक दृष्टिकोण से। शाकाहारी है मांसाहारी का विकल्प, अर्थात मांसाहारी छोड़ के शाकाहारी बनने का अवसर है जो चाहता है। वैसा ही मनुष्य जीवन, मरणशील मनुष्य जीवन का विकल्प है ब्रह्म रूप से रहना। ये संसार का सभी को हरदम संभव है, उपनिषद के अनुसार, अकॉर्डिंग द सुप्रीम फिलोसॉफी ऑफ दिस उपनिषद, वेदांत फिलोसॉफी इज द सुप्रीम फिलोसॉफी। वेदांत फिलोसॉफी, उपनिषद फिलोसॉफी और द कंक्लूजन ऑफ द वेद,
Vedas. That is the same. That means Brahma. Being Brahma. Being immortal, pure intelligence. We can reform our life from mortal life into immortal life. मरण जीवन से अमर जीवन में बदलने के लिए ये सूत्र है, माध्यम है, उपाय है, रास्ता है. इसलिए वेजिटेरियन मीन्स प्योर वेजिटेरियन, नेवर मीटी फूड. ईयरली 5 ईयरली 10 ईयरली नॉट, फॉर ऑलवेज, हरदम के लिए. जो शाकाहारी है वो जीवन है मांसाहारी से 100 गुना ज्यादा लाभ कर हर एक दृष्टिकोण से. वैसा ही मरणशील जीवन जो है, जहाँ मृत्यु छिपके बैठा है, जहाँ चिंता दुख डर छिप छिप के बैठा है, ये सब हट जाएगा. कैसे हटेगा? ब्रह्मा रूप से रहने से. दैट मीन्स केवल आत्मा रूप से रहने से. दैट मीन्स केवल परमात्मा रूप से रहने से. उसका मतलब केवल स्वयं प्रकाश रूप से रहने से. इसलिए सभी को निराकार शिव महादेव में रहने का अवसर है. सभी को निराकार परमात्मा में हरदम के लिए रहने का अवसर है. इट इज ट्रू. ये बहुत सत्य बात है जिसको शाश्वत कहा जाता है. ये जो अभिव्यक्ति है शाश्वत अभिव्यक्ति है. गारंटेड एक्सप्रेशन दिस. नो वन कैन शो फॉल्स इन दिस स्पीच. ये प्रवचन को वैदिक में आधारित है, दुनिया में किसी का खंडन करने का ताकत नहीं है, ना भविष्य में रहेगा. इट इज अ गारंटेड स्पीच. ये गारंटी के रूप में प्रवचन है जो संसार के हम सभी लोगों के लिए सबसे भलाई का काम करेगा. अतुलनीय, जिसको कंपेयर नहीं किया जा सकता है. ये लेना, आज ही लेना, अभी ही लेना, सबके लिए सबसे ज्यादा भलाई है. आज का मतलब व्यवहारिक रूप से विक्रम संवत 2081 साल महीना आषाढ़ गते 14 बार शुक्रवार. अकॉर्डिंग इंग्लिश डेट 2024, द नेम ऑफ द मंथ दैट इज जून, जून 28. द नेम ऑफ द डे इज फ्राइडे. अकॉर्डिंग हिंदुज्म तिथि को अनुसार आषाढ़ कृष्ण पक्ष आज सप्तमी तिथि, आज शुक्रवार. ये सब हम लोग कह रहे हैं, सुन रहे हैं फ्रॉम बलराम जीसी टाइटल्स. अद्वैत प्रदीप सरस्वती, प्रेसिडेंट ऑफ अखंड सुख केंद्र, फ्रॉम नेपाल कंट्री, नेपाल देश से, भैरवा सिटी से. और मीडिया, रेडियो रूपंदेही FM से, बुटोल मुक्ति FM से, पलवा तानसेन श्रीनगर FM से, रेडियो परासी लगायत से हम लोग अभी ये बात कह रहे हैं, सुन रहे हैं. सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी बात है ब्रह्म रूप से रहना.
जैसा शाकाहारी रूप में रहने से हर प्रकार का विकल्प है, किसका? मांसाहारी का। वैसा ही मरणशील मनुष्य जीवन, नाशवान संसार का जीवन का जो विकल्प है वो है ब्रह्म रूप में रहना। केवल ब्रह्म रूप में रहने से न वहाँ शरीर है, न संसार है, न कोई तकलीफ है, न मरण है, अर्थात न मृत्यु है, न चिंता है, न दुख है, न डर है। वहाँ तो आनंद ही आनंद है। केवल आनंद के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं है। सबके हृदय में ब्रह्म रूप में सुरक्षित है। अगर संसार का कोई भी आदमी अगर लेने का इच्छा करे, हरदम सुलभ है, हरदम मिल सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी समय समाप्त होने जा रहा है। हरिओम दशरथ।